स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मापन मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। आज इस चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने दे रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस को देख डालिए। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 पे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है मापन यंत्र। मापन यंत्र होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि का मापन करने वाला यंत्र मापन यंत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपके हैं पैमाना है, फीता है, गार्नियर, कैलिपर्स है आदि। अब भौतिक राशियाँ जानते हैं, यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई पैमाने से भी नाप सकते हैं, फीते से माप सकते हैं और वर्नियर कैलिपर्स से भी माप सकते हैं। तो भौतिक राशि तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखे थे, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, उनको सब यंत्रों द्वारा मापते हैं, उसे ही कहते हैं मापन यंत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हमारा है यथार्थता एवं परिशुद्धता। कि यथार्थता और परिशुद्धता होता क्या है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से, फोकस करिएगा, ये कह रहे वास्तविक मान से कितना निकट है। जब हमने मान लिया कि जो ये मार्कर है, मार्कर की लंबाई हमने मान लिया, इसकी जो लंबाई है वो लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसका था वास्तविक मान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने किसी दूसरे यंत्र द्वारा इसको मापा तो वो लंबाई निकल के आ गई, उसकी लंबाई हो गई 5.21 सेंटीमीटर। अब ये हमने क्या किया, ये हमने सिंपल से एक स्केल से नापा था, 5.2 सेंटीमीटर थी, लेकिन किसी दूसरे यंत्र द्वारा हमने मापा तो उसमें निकला 5.21 सेंटीमीटर। तो यही होता है वास्तविक और मापित मान में निकटता। मतलब वास्तविक मान क्या 5.2 और इसके जो हमने जो दूसरे मापन यंत्र द्वारा मापा इसका तो 5.21। तो निकटता इनमें कितनी है उसे कहते हैं यथार्थता। परिशुद्धता क्या होती है, तो इसमें बताया गया है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है, तो वो राशि जो है दशमलव के दो अंकों तक मापी गई है, इसे हम कहते हैं सीमा। उस मापन यंत्र द्वारा हम सिर्फ दशमलव के दो अंक तक ही माप सकते हैं, ठीक है। तो सीमा है इसकी, वैसे इसकी बात कर दी, ये भी उसी सीमा है, इसको दशमलव सिर्फ एक अंक बाद ही माप सकते हैं। तो सारी सीमाएं होती हैं अलग अलग पैमाने की। तो चलिए इसके बाद दिया गया है त्रुटि। त्रुटि क्या होती है, किसी भी मापन यंत्र के सभी माप के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, अभी जो रियल का मान था वो 5.2 सेंटीमीटर था, ये किसी दूसरे माप में मापन यंत्र द्वारा हमने मापा तो 5.21 सेंटीमीटर निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ त्रुटि है ना, जो कि पैमाने द्वारा आई है, तो उसे कहते हैं त्रुटि, ठीक है। अब दो प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, पहली होती है हमारी क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है हमारा यथार्थ त्रुटि। इसे समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती हैं। ऐसी त्रुटियाँ जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, मतलब कोई प्रयोग करे और नियमित रूप से उसमें त्रुटियाँ प्राप्त होनी है, तो ये त्रुटियाँ किसी निश्चित नियम अथवा नियामक से नियंत्रित होती हैं। कोई नियम लगा दे तो उसके द्वारा वो त्रुटियाँ जो होती हैं नियंत्रित हो सकती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटियाँ। बी नंबर है यथार्थ त्रुटियाँ। ये ऐसी त्रुटियाँ हैं जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है, इन्हें आकस्मिक त्रुटियाँ भी कहते हैं। कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती हैं जिनको हमें नहीं पता होता है त्रुटियाँ हो कैसी गई, तो उन्हें हम कहते हैं आकस्मिक त्रुटियाँ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये दोनों त्रुटियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही जैसा लगता है, अल्प प्लस मांक। अल्प का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, और मांग का मतलब होता है मापा जा सके। किसी डिवीजन क्या बना सकते हैं, किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान, किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान अल्पतमांक कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो दशमलव के, जैसे हम बात करें दशमलव सिर्फ दो अंकों तक वो बताता है, ठीक है। लेकिन हम गोली मापिक यूज करें, गोली मापिक दूसरा यंत्र होता है, उसकी बात करें तो वो दशमलव 0.001 तक वो माप देता है। तो हम बात करेंगे अल्पतमांक, तो सबसे छोटा जो मापांक यंत्र है ये होगा, मतलब शुद्ध न मापेगा 0.001, दशमलव के 3 अंक तक माप रहा है और ये दशमलव के 2 अंक तक माप रहा है। ये हमारे थी
वेर्नियर कैलिपर से द्वारा मापी गई और यह है गोलीय मापी द्वारा मापी गई। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें जब दूसरी शुद्ध की बात करेंगे इसका जो होगा सबसे छोटा मान हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने के पहले आप याद रखिएगा, यदि वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।